बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय छे ज्ञान योग। बंधुरात्मा तनम सत्सय ये नात्मेवात्मनाजितम् अनात्मनस्वतु शत्रुतवे वर्ते आत्मैव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। तात्पर्य, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीर लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और वह इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अंत जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है, किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतंत्र समर्पित हो जाता है। जितामन जितात मनम पर शांत सय परमात्मा समाहितम् शीतोण सुखद दुखेषु तथा मानापमानयोम। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान सम्मान मान अपमान एक से हैं। तात्पर्य, वस्तुत प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपद कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अंत ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवद आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवद आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतंत्र ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही वह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अंत भगवद संसार के द्विंदों यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। वह यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। ज्ञान विज्ञानात्मा कूटसर्थो विजेतेन्द्रिये
युक्त इद्योचयते योगी समलोष्टाश कायत्रनम। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या के सोना, एक समान देखता है। तात्पर्य, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्तिर सामृत सिंधु में कहा गया है, अंत श्री कृष्णादि मादि न भवेद ग्रहम मिनिंद्रय सेवोंद मुखे ही जिह्वादो स्वयं मेव सफूर्त यद। कोई भी व्यक्ति अपने दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी दिव्यता विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सात्रिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह भाम विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। सुहिंद मत मित्रायुर्धासीन मध्य सथ द्रेय बंधुषु साधुष वपीच पापेशु संबुद्धि विर्दशयते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थरों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुष्पात्माओं एवं पापियों को सम्मान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। योगी युत्रिंत सतन मात मान रहमे स्थित एकाकी इत चित्तात्मा निराशीर पर ही ग्रह। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से युक्त होना चाहिए। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति आसक्त होते हैं, वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है।
उसका परम सत्य विषयक ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्णा भावना भावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देव स्वयं परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव अग्रसर रखे, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उसे नहीं भुलाना चाहिए। परमेश्वर के मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं हट पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से उसे फंसा ले। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यवर्त हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्ष कृष्णा भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्णा भावना भावित का अर्थ है आत्मोत सर्ग, जिससे संग्रह भाव परिग्रह के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। शील रूप गोस्वामी कृष्णा भावना मृत का लक्षण इस प्रकार हो, क्षीण गोस्वामी कृष्णा भावना मृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। अनासत्य विषयान यथारहम मुहुपयुत्रयंत निर्विदंद कृष्णा संबंधे युक्त वैराग मुच्यते प्राप्त्रिकत्या बुद्ध्या हरि संभविद्यवस्तुन मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्य फल्गु कथयते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रह से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्णा भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्णा भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्णा भावनामृत से रहित वस्तुओं के प्रति व्यक्तियों के प्रति किसी प्रकार का सरोकार न रखने का कारण सदैव सदा अकेला रहता है। अंत कृष्णा भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। त्रुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिर मासन मातमन्नम नात्योषित नाति नीच चैला जिन कुशोतरम त्रैत काग्र मन कृत्य यत चितेन्द्रिय क्रिय उपविश्य आसने युत्र योग आत्म विशद्र। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछादे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछादे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्यागकर प्रयाग मथुरा वृंदावन ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं।
जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, किंतु प्राय ऐसा करना सबों के लिए विशेषतः पाक्षत्रों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथा कथित योग समितियाँ भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वदा अनुपयुक्त होती हैं। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अंत बृहत्रांद्रिय पुराण में कहा गया है कि कलयुग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं में से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नारम हरे नारम एव केवलम कलो नास्तये गतिरंध यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। कलयुग में भगवान कलयुग में योक्ष का एकमात्र साधन भगवान का पवित्र नाम का कीर्तन करना है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। समकाय शिरो ग्रीव धार्यत्र चल स्थिर संपेक्ष नासिकाग्र सयम दिश ज्ञान लोकयन परशात्मा विगत विभि ब्रह्मचारी वर्ते स्थित मन संयमय मित्रोत युक्त आसीत मत पर। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी ब्रह्म विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का सर्वांश रूप है, जो इस विष्णु मूर्ति के अनुरूप अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कष्ट योग में लगा रहता है। वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचार्य व्रत अनिवार्य है। अंत मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्राप्ति घर में या अन्यंत्र मैथुन भोग करते हुए और तथा कथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और इसी प्रकार की इंद्र तृप्ति से जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है बचना होता है। महान ऋषि याग्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियम में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वधा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य
परचय अक्षते, सभी कालों में सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना है ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन से प्रवृत्त रहकर योग अभ्यास नहीं किया जा सकता, इसीलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है जहाँ गुरु उससे उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभियान के अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते, उसके लिए पूर्ण ब्रह्मचारी अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। भगवत गीता में कहा गया है, विषय विनती वर्तते निराहार सय देहिन रस ब्रज रसो पयस्य पर दृष्ट निर्वर्ते। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है वहीं भगवद सासवादन के कारण इंद्र तृप्ति से सबतर विरत हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना में हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने साक्षात संबंध को विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का कथन है, भय धृत्याभिनिवेशत स्वाद इशाद पेत सय विपर्यो स्मृति। कृष्णा भावना व्यक्ति की भी योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अंत कृष्णा भावना व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्जित योग विधि के नियम तथा कृत लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय।